सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च क्वार्टर के लिए 3 भी अवेलेबल हो गई है फाइलिंग के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा था मेरे पास कि यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 और पीरियड चूज कर रखा है मार्च। अगर हम इसे पीछे के पीरियड्स में जाएं फरवरी या जनवरी, तो वहाँ भी आपको ना जीएसटी आर 1 और 3 भी दिखाई दे रही है। तो उसमें अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आपके लिए यहाँ एक न्यूज़ आ रही है कि अगर आपको इन 3 महीनों में जीएसटी 1 एंड 3 भी दिखाई दे रही है तो आप उसे इग्नोर कर दें और जल्दी ही ये टाइल जनवरी एंड फरवरी से रिमूव कर दी जाएगी। वो गलती से आ रहा है, ठीक है। आपको जो 3 बी एंड 1 फाइल करनी है वो क्वार्टरली फाइलिंग के केस में अब करनी है। जीएसटी 1 की तो लास्ट डेट जा चुकी है, यहाँ हमारे केस में आपको दिख भी रहा है कि फाइल हो चुकी है। अब 3B की डेट है, जीएसटी 1 की भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी डिटेल में, अगर आपको देखनी है तो यहाँ बटन पे लिंक है। 3B की लास्ट डेट अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 24 आ रहा है, नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए 24 है, अदर देन नॉर्दर्न के लिए 22 इज द लास्ट डेट, ठीक है। 20th नहीं है, 22 या 24। और टैक्स की पेमेंट भी आपको 3B के साथ ही करनी है। अब जो मार्च क्वार्टर तक का आपका टैक्स बनता है ना, मार्च में जनवरी फरवरी मार्च तक का टैक्स, अब आपको वो 3B के साथ भरना, क्योंकि जनवरी और फरवरी का हो सकता है आपने जीएसटी PMT 06 को यूज करके टैक्स पे किया, अब आपको 3B के थ्रू करना है और उसकी लास्ट डेट 3B वाली ही रहेगी। तो 25 लास्ट डेट का कोई भी यहाँ पर आपके लिए अब मतलब नहीं है। और साथ ही क्वार्टरली फाइलिंग के केस में 2B भी जनरेट हो गई है। जी हाँ, जैसे ही आपने जीएसटी 1 फाइल की और आपके सप्लायर्स ने भी अपनी जीएसटी 1 फाइल कर दी है या IFF फाइल कर दी है, तो आपकी 2B जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे क्वार्टरली व्यू आ रहा है, आप इसे देख सकते हैं। इसी के बेस पे आपकी 3B भी ऑटो जनरेट हो गई। तो डिटेल में समझ रहे हैं हम 3B के बारे में, इसीलिए वीडियो लंबी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरु जी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। 3B पे चलने से पहले आपको इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दिखाना चाहूंगी जो इशू की है जीएसटीएन ने। हमारी वेबसाइट studywari.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, इसे आपको ITRs खुद ही फाइल करनी आ जाएंगी। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स है, 999C अलग से अवेलेबल है। ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना, ये कोर्स हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स है। और QRMP जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसे बाय कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, और इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। न्यूज एंड अपडेट्स में आ रहे हैं, न्यू फीचर्स ऑफ फॉर्म जीएसटी 2B एंड 3B मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स अंडर QRMP स्कीम। यहाँ पे यही लिखा है कि QRMP के लिए भी GSTR 2B अवेलेबल कर दी गई है। GSTR 2B में कौन सा डेटा आ रहा है, जो आपके सप्लायर्स ने IFF के थ्रू या GSTR 1 के थ्रू बताया, आप मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3 में क्वार्टर के, वो सारा 2B में आ रहा है। आप चाहे तो 2B को व्यू कर सकते हैं, उसमें कौन सा ITC आ रहा है सारी डिटेल आपको दिख जाएंगी। और इसी तरह से आपकी 3B में भी ITC का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। आप चाहे तो इसे एक बार पढ़ लेना। और 3B के लिए सर ये बोला है कि जो डेटा ऑटो पॉपुलेट है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है, आप उसे एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे एडिट नहीं कर सकते, उसे आप एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब आपको 3B फाइल करनी है, तो पहले 3B में काफी सारे क्वेश्चन आते थे, अब सिर्फ यही पूछा जाता है कि क्या आपको नील रिटर्न फाइल करनी है या अदर देन नील। नील करनी है तो सिंपली यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो EBC से सिंपली आपकी नील रिटर्न फाइल हो जाएगी, और नहीं है तो नो कर दीजिए। तो हम कर रहे हैं नेक्स्ट। नाउ यू हैव हेयर अ बॉक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जीएसटी या 3B की टेबल्स बताई गई है, फिर उस टेबल में कहाँ से डाटा आया सोर्स बताया गया है, उस फॉर्म का स्टेटस क्या है, क्या फिल हो गया है या जनरेट हो गया है। अगर नहीं होता ना ये फिल्ड या जनरेट तो पिंक कलर यहाँ पे आ रहा होता, अब ये फिल्ड हो गया। जैसे जीएसटी 1 हमने फाइल कर दी थी उसके बेस पे इन्होंने 3.1 जो टेबल है जीएसटी 3B की वो ऑटो पॉपुलेट कर दी है। ऐसे ही जीएसटी 2B जनरेट हो चुकी है इस केस में, तो जो ITC की टेबल है तो रिवर्स चार्ज वाली और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली वो भी ऑटो जनरेट हो चुकी है। समरी का स्टेटस यहाँ पे लिखा है यस यस या यस। अगर आपके केस में कुछ भी डेटा यहाँ पे ऑटो फिल नहीं होगा ना तो वो पिंक कलर हो जाएगा। और एडवाइजरी में यहाँ बताया भी है कि किस तरह से यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर ग्रीन है दैट मीन्स आपकी 3B ऑटो पॉपुलेट हो गई है। अब इसे करते हैं क्लोज। तो ये है हमारी छोटी सी जीएसटीआर 3, इसकी टेबल नंबर 3.1
टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, यहाँ पे वो डेटा आएगा जिसपे आपको टैक्स पे करना है, आपकी ऐसी आउटपुट लाइबिलिटीज जिसपे आपको टैक्स पे करना है, एंड दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर GST-1 एंड IFF फॉर द क्वार्टर। अभी हम इसके लिए डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये ऑटो पॉपुलेटेड डेटा यहाँ पे आ रहा है। इंटर स्टेट सप्लाईज, दिस विल नॉट अफेक्ट योर टैक्स। इसमें आपको सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाईज अलग से बतानी होती है। ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी के हिसाब से फर्दर टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसलिए आपको 3.2 नंबर टेबल को इग्नोर नहीं करना। अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी क्या इसमें डाला जाएगा। देन टेबल नंबर 4 एलिजिबल ITC, ये भी आपकी ऑटो पॉपुलेट हो रही है। देखिए इस केस में कुछ डेटा ऑटो पॉपुलेट आ रहा है, अभी हमने इसमें कुछ भी काम नहीं किया है, दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स। देन अगर आपकी एग्जाम्ड नील या नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज है तो वो आप टेबल नंबर 5 में दिखाएंगे। और अगर आपका कोई इंटरेस्ट है एंड लेट फी है, लेट फी तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आपको इस टेबल में दिखाना होता है। नीचे आएंगे तो देखिए जो रेड कलर का टैब है, दिस इज योर सिस्टम जनरेटेड 3B। आप इस पर क्लिक करेंगे तो PDF में आपको आपकी सिस्टम जनरेटेड 3B मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन ये बटन है सेव GST-3B का, प्रीव्यू 3B करने का एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट का। चलिए अब मैं आपको पहले टेबल्स के बारे में बता देती हूँ। पहले मैं क्लिक कर रही हूँ टेबल नंबर 3.1 पे। इसे क्लिक करते ही पहले तो ये कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपने अगर IGST का रिफंड लेना है तो इन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। तो अगर आपकी एक्सपोर्ट है गुड्स की तो आप इन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। गाइडलाइंस यही है कि आपके डेटा का मिसमैच ना हो, अगर डेटा का मिसमैच होगा तो फिर आपको रिफंड लेने में दिक्कत आएगी। इसे करते हैं ओके। ये है टेबल नंबर 3.1। इसमें आपको क्या डालनी है, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज की डिटेल। ध्यान रखिए इसमें सिर्फ वो डेटा आना है जिसपे आपको टैक्स पे करना है। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये ऐसी आपकी परचेज है जिसपे टैक्स आप पे कर रहे हो RCI। तो जिस आपकी सेल पे और जिस आपकी परचेज पे आपको खुद टैक्स पे करना है वो आएगा 3.1 में। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ इनवर्ड सप्लाई लिखी है तो सारी परचेज भी डाल दो, नहीं। तो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, और यहाँ पे लिखा भी है जो आपकी आगे फर्दर टेबल 3.1 के फर्दर पार्ट्स है ABC and E, वो किस बेसिस पे जनरेट हो रहे हैं, GST-1 और IFF के बेस पे। और 3.1 का जो डी पार्ट है वो किस बेसिस पे जनरेट हो रहा है, 2B के बेस पे। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये ऑटो पॉपुलेट फिगर आ रही है। इसका आपको ध्यान रखना है, टेबल नंबर 3.1 का ए पार्ट आपसे मांगता है आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, ऐसी सप्लाईज जो टैक्सेबल है अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। बी पार्ट में आपको अपनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड वाले दिखानी है। देन सी पार्ट में आपकी आउटवर्ड सप्लाईज कौन सी, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। डी पार्ट में आपकी इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी आपकी ऐसी परचेज जिसपे आपने RCM में टैक्स पे किया है। और ई पार्ट में आपकी नॉन GST सप्लाईज आती है। बहुत से लोग ना ये नॉन GST सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, जो आपकी एक्सपोर्ट की सप्लाई है वो इसमें आती है, उनको भूल जाते हैं, ठीक है। नहीं, आपको इन्हें दिखाना है, इससे आपकी टर्नओवर सही कैलकुलेट होती है पोर्टल पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इन्हें दिखाना है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं अमाउंट की बात करते हैं, अब इन फील्ड्स की बात करते हैं। यहाँ भी बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहाँ आपको लेनी है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यानी इनवॉइस की वो वैल्यू जिसपे टैक्स लगाया गया है, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, देन टैक्स का ब्रेकअप है IGST, CGST, SGST और सेस, ठीक है। ये ब्रेकअप आपको सिर्फ यहाँ पे देना है और कंसोलिडेट करके देना है तीनों मंसा, क्योंकि अब आप क्वार्टर वाइज 3B भर रहे हो। तो बड़ा ध्यान रखना है, जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च तीनों क्वार्टर्स का डेटा कंसोलिडेट कर लीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका डेटा ज्यादा है तो आप 3B का भी ऑफलाइन टूल यूज कर सकते हैं, टेली के थ्रू भी 3B फाइल हो जाती है, तो वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं आपको बस ओवरऑल 3B के बारे में बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या क्या डेटा इसमें फिल होना है। तो मेरे केस में जो ऑटोफिल डेटा आ रहा है दिस इज करेक्ट। आप भी ध्यान रखिए कि आपका अगर ऑटोफिल डेटा करेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे एडिट नहीं कर सकते, बट अगर ये थोड़ा ज्यादा आप इसको एडिट कर देंगे तो देखिए सिस्टम आपको वार्निंग देता है, देखिए इन्फॉर्मेशन बाई यू इज हाईलाइटेड इन रेड इज इन वेरियंस विद द ऑटो पॉपुलेट डेटा। अगर वेरियंस होगा तो ऑटो पॉपुलेट डेटा का
तो ये मैसेज आएगा, द लाइबिलिटी हैज बीन कंप्यूटेड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जेस्टर वन एंड आईएफएफ, काइंडली रीचेक एंड देन प्रोसीड। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोसीड नहीं करना करने दिया जाएगा, प्रोसीड आप कर सकते हो एडिट करके, बट मेक श्योर आपका डाटा करेक्ट हो। आपका टैक्स पे होना है वो आएगा आपकी टेबल नंबर 3.1 से। यहाँ भी समरी आ जाती है आपके टैक्सेस की, और साथ ही टेबल नंबर 3.1 में ये ध्यान रखें जो सेल का डाटा आप दिखा रहे हैं वो नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपने अपने आप उनकी एडजस्टमेंट्स कर ली हो अपनी सेल में से, क्योंकि जो आपका टैक्स बनता है वही आपको पे करता है। कई बार पिछली 3B में गलतियां कर देते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स भी आप नेक्स्ट 3B में कर सकते हो अपनी सेल के डेटा में, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आप अपने आप करिए और फिर यहाँ पे डेटा फिल कर लीजिए। 3.2 को डिस्कस करते हैं। अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है किसे, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को, या UIN होल्डर को, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है अकॉर्डिंग टू द स्टेट। जी हाँ, जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन आ रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, तो जितने भी स्टेट वाइज आपने कंसोलिडेटेड सेल की है ना, स्टेट वाइज उसका डेटा आप यहाँ डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ स्टेट के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है 50,000 की, और उसका IGST आप यहाँ पे एंटर कर दोगे जो भी बनता है IGST, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर कंपोजिट टैक्स पेयर को आपने सप्लाई की है तो वो भी डिटेल आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू और उसका IGST, और UIN होल्डर को की है तो वो अलग से दिखाना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस विल नॉट इम्पैक्ट ऑन योर टैक्स लाइबिलिटी, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, IGST का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ईजिली हो जाए। और ये टेबल भरना मैंडेटरी है, बहुत से लोग इसे नहीं भरते, भूल जाते हैं। इस पर क्लैरिटी रखिए, दिस विल नॉट इम्पैक्ट योर टैक्स, दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ये आपको भरनी है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन या UIN होल्डर को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी कौन सी, इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपके पास ऑप्शन भी सिर्फ IGST डालने की ही आ रही है। नाउ टेबल नंबर 4, एलिजिबल ITC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल भी आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी, कहाँ से, जब आपका सप्लायर अपनी GST-1 एंड IFF फाइल कर देगा उसके बेसिस पे आपका 2B जनरेट होगा, और 2B के बेसिस पे आपका ITC जनरेट होगा। जैसे इस केस में ऑल अदर ITC में सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में कुछ ITC आ रहा है, और अगर आपका ITC यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, आप एडिट कर सकते हो, वार्निंग आएगी, बट अगर आपका डेटा करेक्ट है तो आप एडिट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बार बार यहीं पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इन ITC वी हैव 2 पार्ट्स, ए एंड बी। ए में है ITC जो आपका अवेलेबल है, जो आपको लेना है, और बी में है जो ITC आपको रिवर्स करना है। अवेलेबल में भी फर्दर पार्ट्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ITC अलग से डालें, IGST ही अवेलेबल है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भी IGST ही अवेलेबल है। देन अब जो आपकी इनवर्ड सप्लाई जो RCM पे जिसमें हमने टैक्स दिया है उसका आप ITC भी ले सकते हो, और सेम ही मंथ में ले सकते हो जिस मंथ में आप टैक्स पे कर रहे हो, कोई भी इशू नहीं है। तो इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, वो डेटा आपका यहाँ पे अगर होगा तो ये भी ऑटो फिल आ जाएगा। देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवर्ड सप्लाई है अगर आपका, उसका ITC है तो वो भी आप यहाँ ले सकते हो। इनके अलावा ऊपर की चारों कैटेगरीज के अलावा जितना भी आपका ITC है वो आएगा ऑल अदर ITC में। बहुत से लोग ये बाइफिकेशन की मिस्टेक कर देते हैं, जब GST एनुअल रिटर्न का टाइम आता है तो फिर हमसे पूछते भी हैं कि हमने यहाँ बाइफिकेशन में मिस्टेक कर दिया, अब क्या करें। ऐसी गलतियां ना करें, ITC आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी में जितना ITC आ रहा है ज्यादा डाल दिया या कम डाल दिया, ऐसी बड़ी सिली मिस्टेक करते हैं। तो आपकी सिली मिस्टेक्स को रोकने के लिए ही ये ऑटो जनरेशन स्टार्ट हुआ है। बहुत से लोग तो भूल भी जाते हैं, अच्छा हमारा ITC, उनको पता ही नहीं है। तो यही गलतियां कम हो रही हैं क्योंकि अब आपकी 3B ऑटो पॉपुलेट आ रही है। देन बात करते हैं ITC रिवर्सल की। रिवर्सल कैसे कर सकते हो आप ITC का, एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ द CGST एक्ट, अगर उसके हिसाब से आपका रिवर्सल है तो आप यहाँ पे डालिए, और अदर रिवर्सल है तो आप यहाँ दिखा सकते हैं। रिवर्सल बहुत सारे केसेस में हो सकता है, और ऐसे ऐसे कंसेप्ट ना हम अपने GST के कोर्स में पूरी तरह से क्लियर करते हैं। अगर आप चाहें तो studybuddy.com से हमारा अपडेटेड GST कोर्स बाय कर सकते हैं, सभी डाउट्स को GST में खत्म करने के लिए।
तो जो भी आपका रिवर्सल है आप यहाँ डालिए, एंड देन इसका एक और पार्ट है, ये तो अपने आप आ जाता है नेट आईटीसी अवेलेबल। डी पार्ट भी है इसका, इन एलिजिबल आईटीसी। अगर आपका आईटीसी इन एलिजिबल है ड्यू टू सेक्शन 17(5) यानी ब्लॉक्ड क्रेडिट या किसी और रीजन से, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं पड़ता, दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पसेस। और अगर आपका जितना आईटीसी है उससे ज्यादा आपका रिवर्सल है, तो यहाँ पे वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नेगेटिव में भी एक्सेप्ट हो जाता है आईटीसी। तो अगर आपने रिवर्सल करना है बिकॉज पिछले महीनों में गलती कर दी थी, या फिर एक्चुअल आपका रिवर्सल है, तो वो भी आप डालना ना भूले। सो दिस इज योर टेबल नंबर 4 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ भी कंसोलिडेटेड आईटीसी आपको लेना है जनवरी फरवरी और मार्च का। और आईटीसी के लिए कौन सा रूल ध्यान रखना है, रूल 36(4) जो बताता है जितना क्रेडिट आपका जीएसटीआर 2A में आ रहा है वो तो आप 100% ले लो, उसके अलावा जितना क्रेडिट है वो आप 2A में जो क्रेडिट आ रहा है उसका एक्स्ट्रा 5% क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे जो डेटा है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ 2B, और यही बोला जा रहा है कि 2B में जो जनरेटेड डेटा है उसी के बेस पे अपना क्रेडिट लीजिए, ठीक है। और अगर आपका क्रेडिट कम आ रहा है तो 5% एक्स्ट्रा आप इस अमाउंट का ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल 36(4), ठीक है। तो मेक श्योर अपने सप्लायर से बात करें, अगर आपका आईटीसी शो नहीं हो रहा है उनको बोले अपनी GST-1 फाइल करें, मतलब आप कॉन्टैक्ट में रहिए सप्लायर से अगर आपको अपना आईटीसी लेना है। आईटीसी अगर 2A या 2B में नहीं आ रहा और फिर भी आप क्लेम कर लोगे पूरा, तो आपको नोटिस आ सकता है। टेबल नंबर 5 में आपको सिंपली अपनी वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज बतानी है, अलग अलग बतानी है। नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए यहाँ डेटा डाल देना, इंटर एंड इंट्रा स्टेट के लिए, और फ्रॉम अ सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई, वो आपको यहाँ पे दिखाना है इंटर एंड इंट्रा अलग अलग कैटेगराइज करके। दिस विल ऑल्सो नॉट इम्पैक्ट योर टैक्स लाइबिलिटी। देन है टेबल नंबर 5.1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है, यानी आपने पिछले महीने टैक्स की पेमेंट लेट कर दी थी, या जीएसटी अभी आप 3B डिले फाइल कर रहे हो, तो जीएसटी पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। अगर आप इंटरेस्ट पे करें तो वो कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है। आईजीएसटी का इंटरेस्ट अलग डालें, सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग, और सेस के लिए है तो अलग। लेट फी यहाँ पे खुद कैलकुलेट होती है। अगर आपकी नेल जीएसटी या 3B है तो 20 रुपीज पर डे का फाइन लगता है, यानी 10 रुपीज CGST, 10 रुपीज SGST, और अदर देन नील आपकी 3B है तो आपको 50 रुपीज पर डे का फाइन लगता है, यानी 25 रुपीज CGST और 25 रुपीज SGST यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। लेट फी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, वो आपको खुद नहीं करनी। तो बस इन्हीं टेबल्स में आपको एक्शन लेना, इन्हीं टेबल्स में अपना डेटा डालना है। पिछले महीनों की गलतियां भी आप, वैसे तो यहाँ पे कोई अमेंडमेंट की ऑप्शन है नहीं 3B में, पिछले मंथ्स की गलतियों को ठीक करने के लिए आपको खुद ही एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए पिछले महीने आपने सेल कम दिखा दी, तो इस मंथ की सेल में उसे ऐड करके दिखाइए और उसका टैक्स भी पे कर दीजिए और उसका इंटरेस्ट यहाँ डाल के पे कर दीजिए। या पिछले महीने सेल ज्यादा दिखा दी तो इस मंथ की सेल से उसे एडजस्ट करिए, कम दिखा दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी पे कर दीजिए। लास्ट मंथ में आईटीसी लेना भूल गए तो एलिजिबल आईटीसी की टेबल में ले लीजिए, या लास्ट मंथ में आईटीसी ज्यादा ले लिया तो उसे फिर रिवर्स कर दीजिए। तो क्योंकि जीएसटीआर 3B की अमेंडमेंट की ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहीं पे उनकी एडजस्टमेंट्स करनी है नेक्स्ट मंथ की 3B में या लेटेस्ट मंथ की 3B में। सो दिस इज योर सिस्टम जनरेटेड 3B, आप इसे PDF में भी निकाल सकते हैं। अगर आपने एडिट किया है डेटा तो फिर तो आपके ये किसी काम की नहीं है, आप इसे सेव करिए। अगर आपका डेटा बिल्कुल ठीक है तो सेव करिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। सेव करते ही जब आपके पास ये मैसेज आ जाए, लास्ट सेव रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे, या तो आप चाहें तो प्रीव्यू कर लीजिए 3B, जो डेटा आपने भरा है वो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने। और अगर आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट है तो क्लिक करिए प्रोसीड टू पेमेंट पे। तो मेरा डेटा ठीक है, मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर रही हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते ही देखिए पहले तो ऊपर आपके सामने बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। पहला मैसेज तो यही है कि अगर आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है फॉर द सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज या फिर आपकी सेल पे, तो आप उन्हें पे करिए। लेट फी के बारे में बताया गया है। TRAN1, दिस इज नॉट एप्लीकेबल नाउ, उसके बारे में लिखा है। कैश अवेलेबल एज ऑन डेट एंड आईटीसी अवेलेबल आर शोन इन दिस टेबल, तो जो आपका कैश लेजर का बैलेंस है वो यहाँ पे दिख रहा है, और जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस है इंक्लूडिंग करंट मंथ्स क्रेडिट, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कैश लेजर बैलेंस है या क्रेडिट लेजर बैलेंस है तो उनसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं लेटेस्ट अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए।
और अगर आपका आईटीसी से यूटिलाइजेशन है टैक्स का, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आईटीसी से उसको सेट ऑफ करता है. यहाँ बताया गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अमाउंट बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जैसा कि लॉ का प्रोविजन है उसी के बेसिस पे ये सेट ऑफ करता है. हाउ एवर यू मे एडिट द आईटीसी यूटिलाइजेशन एज यू चेंज आईटीसी यूटिलाइजेशन द कैश टू बी पेड विल गेट चेंज. तो आप यहाँ पे जो ये सेट ऑफ होता है ना, जितनी आपकी लाइबिलिटी है और उसको जैसे यहाँ पे पेड थ्रू आईटीसी अपने आप आ जाता है. और अगर आप कर्सर लेके आते हैं ना यहाँ पे बॉक्स पे, तो ऊपर आपका अवेलेबल बैलेंस भी दिखाई देता है. अगर आपको लग रहा है कि ये सेट ऑफ मुझे ऐसे नहीं करना है जैसे सिस्टम बता रहा है, तो आप इसे एडिट करके खुद अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं. आपकी लाइबिलिटी की टेबल है, जितना आपका टैक्स बनता है यहाँ आएगा 3B के थ्रू, जो आपका टैक्स बन रहा है. आईटीसी से जितना एडजस्टमेंट हो रहा है वो यहाँ दिखाई देगा आपको. उसके बाद अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड कैश, कितना अब आपको बैलेंस कैश में पे करना है वो यहाँ दिखेगा. रिवर्स चार्ज का कितना टैक्स पेबल है, रिवर्स चार्ज का टैक्स हमेशा आपको कैश में पे करना होता है, तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा, उसे आप एडिट नहीं कर पाओगे. इंटरेस्ट कितना पेबल है आपका, इंटरेस्ट भी कैश में पे करना होता है वो अलग आएगा. लेट फी कितनी पेबल है, और लेट फी भी कैश में पे करनी होती है. तो क्योंकि ये चीजें आईटीसी से सेटल नहीं कर सकते आप, तो ये अलग अलग दी हुई है. तो यूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ कैश आपको यहाँ दिखाई देगा, और अगर एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी. देन इस बार क्योंकि आप QRMP में 3B भर रहे हैं, एक और टैब एक्टिव हो गया है, पेमेंट मेड इन क्वार्टर. यानी कि आपने अगर GST PMT 06 चालान को यूज करके जनवरी एंड फरवरी मंथ में कोई पेमेंट की थी, तो आपको यहाँ दिखेगी. इस केस में नहीं दिख रही, बिकॉज इस केस में पेमेंट नहीं की गई थी, क्योंकि आईटीसी में सफिशियंट बैलेंस अवेलेबल था, इनपुट टैक्स क्रेडिट सफिशियंट था इनका, इसीलिए इनकी पेमेंट नहीं की गई थी. अगर आपकी पेमेंट हुई है तो वो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा चालान का, ठीक है. आपको ओके कर लेना है उससे, वो मतलब क्रॉस चेक भी हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे सारा सेटल हो जाएगा, ठीक है. तो ये इस बार एक एडिशनल जो है 3B में चेंज किया गया है. तो अगर आपकी लाइबिलिटी कैश में पेमेंट के लिए बाकी है, तो आपको क्या करना, क्रिएट चालान पे क्लिक करना है, पहले टैक्स पे कर देना है. यहाँ पे आपको फर्दर आगे आगे जाके टैक्स पे कर देना है, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो टैक्स पे करके, और फिर आपको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर इस पे क्लिक करना है, एंड देन अपनी फाइनली 3B को सबमिट कर देना है. यहाँ पे एक और एडवाइजरी आई हुई है GST 1 और 3B के लिए. GST 1 के लिए तो यही बोला है कि अगर आपने ऑलरेडी IFF में डाटा डाल दिया था, तो GST 1 में आपको फर्दर जो क्वार्टर की GST 1 थी उसमें डाटा डालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे लिख दिया गया है. इसमें बहुत ज्यादा क्वेरी थी लोगों की, और मैंने अपनी वीडियो में बता भी दिया था, स्टिल लोग यही क्वेश्चन पूछते थे. यहाँ लिख दिया गया, अब इनवॉइस फील्ड इन IFF इन जनवरी एंड फरवरी नीड नॉट बी एंटर्ड अगेन इन फॉर्म GST 1. इफ दीज आर एंटर्ड अगेन, पोर्टल विल गिव एन एरर टू सेव एट सेव स्टेज इटसेल्फ, ठीक है. ये सबसे ज्यादा क्वेरी थी, और साथ ही यहाँ बताया गया कि 3B आपकी 2B के बेस पे और GST 1 के बेस पे ऑटो पॉपुलेटेड हो गई है. और जो ये केस मैंने ओपन किया हुआ ना, ये जो इनकी आउटवर्ड लाइबिलिटी यहाँ पे आ रही है, ये मैंने IFF में दिखाई थी, IFF में शो किया था, वहां से अपने आप आ रही है. उसे GST 1 में नहीं डाला था, GST 1 इनकी निल गई थी, क्योंकि मार्च मंथ में कोई डाटा था ही नहीं. ये फरवरी मंथ की लाइबिलिटी थी जो IFF से पे की गई थी. तो IFF का डाटा भी आप देख सकते हैं, ऑटो फिल आ गया है 3B में, ठीक है. क्लियर है आप इस पॉइंट पे, बार बार ये क्वेरी आती है तो मैंने दोबारा से रिजॉल्व कर दी है. एंड देन आपके पास मैचिंग ऑफलाइन टूल की भी ऑप्शन आ गई है. ये आप सर्विसेज में, रिटर्न्स में, रिटर्न डैशबोर्ड में जाके सिलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न फाइलिंग पीरियड, एंड देन सर्च एंड डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी ऑटो ड्राफ्टेड 2B, और उसके बेस पे आप मैचिंग ऑफलाइन टूल यूज कर सकते हैं अपनी बुक्स के साथ 2B का डेटा मैच करने के लिए. ये मैचिंग ऑफलाइन टूल आपको मिलेगा, डाउनलोड्स में आप जाएंगे, ऑफलाइन टूल में जाएंगे तो मैचिंग ऑफलाइन टूल आपको मिल जाएगा. तो 2B को आप GSN में डाउनलोड करके मैचिंग ऑफलाइन टूल को यूज करके अपनी बुक्स के साथ इसे मैच कर सकते हैं. और एक और जो आपके लिए काम आएगी टेबल, वो है रिटर्न्स में आप जाएंगे तो टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC कंपेरिजन, ये भी आपको बहुत काम आती है. आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर आप देख लीजिए, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है सर्च पे क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव मिल जाता है. ITC कंपैरिजन में आपको कंपैरिजन दिखता है GST 1 वर्सेस 3B का पूरे साल का, और ITC में 3B वर्सेस 2A या 2B का. तो ये भी आपके बहुत काम आती है टेबल, आप इसके थ्रू भी अपने अगर आपके रिकन्सिलेशन है वो आप कर सकते हो. ये आपके पास डाउनलोड के लिए भी अवेलेबल है, डिटेल भी आगे नीचे अवेलेबल है हर एक टेबल की. टैक्स लाइबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट, टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने रिकन्सिलेशन के लिए. रिकन्सिलेशन कर लीजिएगा डेटा का, उसके बाद ही अपनी 3B सही से फाइल करिएगा.
तो 3B भरने में कोई भी इशू नहीं है, जैसे आप अभी तक भर रहे थे बिल्कुल वैसे ही आपको 3B फाइल करनी है। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्सेज की, इसके लिए आप studyvari.com पे आइए। हमारा डिटेल्ड इनकम टैक्स कोर्स, यानी आपको इससे खुद रिटर्न भरना आ जाएगा, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 4, चार आइडिया इसमें सिखाई गई हैं, विद एवरीथिंग, विद एवरी एस्पेक्ट अबाउट इनकम टैक्स। तो अगर आप हमारे इनकम टैक्स के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GST का अपडेटेड कोर्स है, यानी इसमें QRMP स्कीम और GST एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट इंक्लूड है। इसे आपको बाय करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिर्फ 999 से ही सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो इसका लिंक अलग से अवेलेबल है। QRMP स्कीम ही सीखनी है तो इसका लिंक अलग से अवेलेबल है। और अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर कई घंटे कई दिन लगाते हैं, तो हमारा ये कोर्स एक बार जरूर ट्राई करिए। इसे आपके जो बहुत सारा टाइम लगता है ना, पूरा सेव होने वाला है। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।